नमस्कार, जय गौ माता मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आज आपको एक नंदी को कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। तो ये आप हमारा नंदी देखिए, इसका नाम मिठुड़ा है। एक्चुअली ये नंदी, ये बछड़ा जो गुजरात से आया हुआ है, इसकी पेडिग्री अननोन है, क्योंकि ये जो बछड़ा था जो किशनगढ़ राजस्थान की गौशाला में लाया गया था, तो वहाँ से क्या हुआ कि उनके पास नंदी काफ़ी हो गए थे, तो उस वजह से मेरा एक मित्र है जिसके पास कांकरेज गाय हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि उसको ये नंदी दे दिया था, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं थी कांकरेज गायों के बीच में ये गिर कर नंदी क्या करेगा। तो एक्चुअली हमारे इधर से जो हमारे एरिया में जो कांकरेज गायें हैं, इधर पाली, सिरोही, जालोर जो राजस्थान का क्षेत्र है, तो यहाँ से काफ़ी लोग कांकरेज गायों के बड़े बड़े जो हर्ड्स के साथ है, हमेशा हरियाणा और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में माइग्रेशन करके जाते हैं गर्मियों से पहले शुरुआत में, और फिर बारिश या बारिश के बाद में वापस आ जाते हैं जब यहाँ चारा हो जाता है। तो उस वजह से वो साल के कई महीने उधर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ उनको चारे की भी अच्छी अवेलेबिलिटी मिल जाती है और दूध का भाव भी मिल जाता है, और फिर वापस आ जाते हैं। तो उसके जो कांकरेज गायों के हर्ड्स में ये था, तो ये बहुत ही कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं थी, तो उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। तो उस समय जब मैंने इसका इसको लिया था, उसकी ये पुरानी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसकी जो बिल्कुल दयनीय हालत थी, तो उस समय मैंने उससे लिया था। तो फिर मैंने इसको पिछले 5-6 महीनों में एकदम तैयार किया है। अब आप इसका देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल फिट है और इसके शरीर के ऊपर आप एकदम देख सकते हैं मांस भी है और हष्ट पुष्ट हो गया है। तो मित्रों, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इस जो हमारा नंदी है मिठुड़ा, इसको कैसे तैयार किया। जो आप इसकी पुरानी एक फ़ोटो है वो आप स्क्रीन पे आपने देखी है, तो बिल्कुल ये पतला दुबला सा और ना ये क्रॉस हो रहा था। तो उस समय फिर मैं सबसे पहले तो इसकी डीवर्मिंग की, नेचुरल तरीके से डीवर्मिंग की, इसके लिए मैंने एक पाव जो फिटकरी है, आप चाहे तो लाल फिटकरी दे या सफ़ेद फिटकरी, मैंने सफ़ेद फिटकरी इसके लिए उसको पीस के। कई बार क्या होता है कि वैसे तो आप पानी के साथ तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी के साथ पी जाएगा तो दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हमेशा की 10 ग्राम एक तोला के लगभग रोटी में डाल के खिलाई, तो उससे इसके क्या हुआ कि पेट की जो नेचुरल डीवर्मिंग है वो हो गई। उसके बाद में मैंने इसके जौ का दलिया का जो दाना स्टार्ट किया, रोज़ का 1.5-2 किलोग्राम के लगभग जौ का दलिया और एक पाव गुड़। तो इसने अभी पिछले 3-4 महीनों से जौ का दलिया चालू है और लगभग 50 किलोग्राम के लगभग मैंने इसको गुड़ दे दिया है, और उसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दी है वो है सफ़ेद मूसली। मैंने इसको लगभग 300-400 ग्राम के लगभग सफ़ेद मूसली देती, वो सफ़ेद मूसली को आप कूट के उसको पीस ले और उसका पाउडर बना दे। और उसके साथ में एक आपकी स्क्रीन पे आप देख भी रहे, एक हमारे इधर बोलते हैं, जो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, गोखड़ा कांटी बोलते हैं उसको, तो वो कांटेदार एक छोटा सा पौधा होता है जो बारिश के दिनों में उगता है, तो वो कांटी आती है वो, हालांकि मार्केट में पंसारी की दुकान पे भी वो मिल जाती है सूखी, लेकिन हमारे इधर वो कांटी होती है, तो उस कांटी में लगभग 0.5 किलोग्राम, वैसे ही हमारे तो खूब होती है, तो 0.5 किलोग्राम वो कांटी उसको पाउडर बना के उसके साथ में दिया। तो सफ़ेद मूसली का फ़ायदा ये है कि वो उसका स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, वो जो गोकड़ा कांटी होती है वो उसकी चुस्ती फुर्ती और इसका स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही काम आती है। और इसको मैंने लगभग 2 किलोग्राम के लगभग देसी गौ माता का, देसी गाय का जो घी है
वो मैंने इसको जो अपने बांटे के साथ दलिया के साथ भी खिलाया है रोज़ का 150-200 ग्राम के हिसाब से। और उसके साथ में जो हम हमारे कई जो बार एक्स्ट्रा छाछ भी बच जाती है तो हम छाछ भी पिला देते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत घी की मात्रा जो बिलाने की छाछ होती है उसमें भी उसको मिलती है। तो इसी के साथ में जो हमने इसको लगभग 10 किलो सरसों का तेल 200 ग्राम रोज के हिसाब से गर्मियों के दिनों में जो दिया था, और सर्दियों के दिनों में मैंने इसको 20 किलो जो हमारे इधर देसी तिल्ली होती है, तिल नहीं तिल्ली होती है, तो तिल्ली की घाणी करवा के तो उसमें उसके साथ में हम गुड़ भी मिक्स करते हैं घाणी में, उसका एक्चुअली उसको क्रश किया जाता है तिल्ली को, लेकिन उसका पूरी तरह से तेल नहीं निकाला जाता, थोड़ा बहुत तेल निकलता है लेकिन वो उसी में रहता है, उसको हम जो एक मिक्सचर बनता है गुड़ का उसको भी इसको दिया है। उसके बाद में इसके मतलब आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ है बहुत ही बढ़िया हो गई है, और उसके बाद में ये जो इससे हमारी 3 गायें जो पिछले 2 महीने में जो इसे कवर हो गई है, तो क्योंकि पहले मित्रों मेरे पास एक अच्छा नंदी नहीं था तो उस वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कतें भी आई कि मैं भी जो गिर का सीमन है वो लगवाया लेकिन कई बार गायें रिपीट हो जाती थी और दो दो तीन तीन बार गायें रिपीट भी हो गई और टाइम से जो वापस गायें प्रेग्नेंट हुई नहीं तो उस वजह से वो एक नुकसान ही होता है, तो इसी वजह से मैं एक नंदी रख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 4-5 गायें हैं तो आपको एक नंदी रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हैं जैसे आप जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन करवाते हैं जो AI करवाते हैं उसके सक्सेस होने के चांसेस अपेक्षाकृत कम होते हैं पहली बार में, तो ये मेरे हिसाब से नंदी जो नेचुरल जो एक क्रॉस करता है उसमें लगभग 100% चांस होते हैं कि वो गाय कंसीव करी जाएगी और टाइमली आपको बछड़ा बछड़ी जो भी है देगी और दूध भी है ही अगर वो टाइमली हो गई तो प्रेग्नेंट। तो इसी वजह से मैंने ये नंदी रख रखा है। और एक बात मित्रों ये ध्यान रखनी चाहिए कि नंदी की आपको हमेशा साफ संभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर नंदी स्वस्थ रहेगा तो ही तो वो गायों को क्रॉस कर पाएगा और आपका जो हर्ड्स है वो आगे बढ़ाएगा। तो मित्रों इसी के साथ मैंने सर्दियों की मौसम में इसको लगभग 1.5 किलो के लगभग हल्दी भी दी थी। तो हल्दी क्या है कि मैं बाज़ार से साबुती लाता हूँ और उसको फिर कूट के उसको पीस के छाछ के अंदर मिक्स करके इसको हमेशा पिलाते थे, लगभग 100 ग्राम हल्दी डेली के हिसाब से। और सर्दियों के मौसम में मैंने इसको जो देसी मुर्गियों के देसी अंडे होते वो भी 20 अंडे मैंने इसको खिलाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भाई अंडे नहीं खिलाने चाहिए एक वो है, लेकिन हमारे इधर और मेरे कई बूढ़े बुजुर्गों ने भी बताया है कि जो नर होता है यानी सांड तो उसके शरीर में गर्मी और उसकी चुस्ती फुर्ती और स्टेमिना के लिए अंडे बहुत ही अच्छे हैं। तो वो हमने जौ के दलिए के अंदर उसको कच्चे को मिक्स करके उसको भी खिलाया है, तो उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये आपके सामने है, अच्छी तरह क्रॉस भी कर रहा है और ये एकदम फिट भी है। तो मित्रों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई आपकी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता।